बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, HP पवेलियन सीरीज़ है ये। AMD A6 3810 AMD रेडियन R4 है ये। HP पवेलियन नोटबुक है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि शट डाउन करते हैं इसको पहले, ये चेक करें ज़रा। बिस्मिल्लाह, ये इसका हिंजिस जो है ना ये ब्रेक हो गया हुआ है। पीछे से इसकी बॉडी भी जो है ना वो क्रैक हो गई हुई है, अलहदा हो गई हुई है। ठीक है, तो पहले नंबर के ऊपर तो इसका ये हिंजिस फिक्स करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो इसको प्रॉब्लम आ रही है वो ये चेक करें, इसको टर्न ऑन की है। ठीक है, तो ये फ़ैन का जो है ना आवाज़ आ रही है इसकी, उसके बाद फ़ैन का एरर भी इसको जो है ना आ रहा है। तो चलें चेक करते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है फ़ैन की, और ये हिंजिस जो है ना फिक्स करते हैं इसको। हिंजिस को जो है ना ब्रेक हो गया हुआ है, ये फिटिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह, सबसे पहले ओपन करने के लिए इसको पीछे से बैक से जो है ना इसकी मुकम्मल स्क्रीन ओपन करेंगे। ये बैटरी ओपन कर लेंगे पहले इसकी। बिस्मिल्लाह, ये बैटरी ओपन हो गई है। अब ये स्क्रीन वगैरह इसके ओपन कर लेंगे सारी। जी, ये स्क्रीन उसके सारे ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है ना ओपन कर लेंगे कीबोर्ड को। बिस्मिल्लाह जी, ये कवर ओपन हो गया इसका। ये इसके हिंजेस आ गए हैं। अभी हिंजेस के अलग अलग कर लेंगे, स्क्रीन अलग कर लेंगे ताकि रिपेयर हो सके। ठीक है, हिंजेस ओपन कर ली। ठीक है, अब ये अलग हो गई है चीज़, तो ये हिंजी जो है ना ब्लैदा हो गई है। अब इसको ज़रा ओपन करके तो फिटिंग बना लेंगे पहले। जी, इसका पैनल भी उतर गया, ये चीज़ अलग हो गई है, चेक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, स्क्रीन भी उतार ली है। अब इसकी ज़रा फिटिंग कर लेंगे, इसको लगा लेंगे ज़रा फिटिंग। जी, इसको ज़रा फिटिंग कर ली है। ठीक है, एलसी वगैरह लगा के हमने, तो अब इसको अच्छी तरह जो है ना ऊपर प्लास्टिक पाउडर के साथ जो है ना वो फिटिंग कर लेंगे। जी, ये पिन्नी है, ये पिन्नी हमने लगा दी हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसके ऊपर पाउडर की जो है ना वो लपाई थोड़ी सी, ताकि ये मजबूती पकड़ ले। पिन्नी जो है ना हमने घुसा ली है अंदर प्लास्टिक के अंदर। हले जी, ये पाउडर लगा दी है। ठीक है, पाउडर लगा के तो ऊपर एलसी हमने फेंक दी है। अब इसकी फिटिंग जो है ना थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद जो है ना इसको यूज़ करेंगे। साथ में ये कोली जो रह गई है ये भी जो है ना वो बना लेंगे फिर। ये जी, ये कंप्लीट फिटिंग बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर ये हिंजेस जो है ना हम फिट करेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, अब ये स्क्रू इसके ऊपर जो है ना बंद करके इसको मुकम्मल फिटिंग कर लेंगे ज़रा। ले जी, अब कंप्लीट जो है ना फिटिंग हो गई है इसकी। अब इसको फ्रंट पैनल वगैरह लगा लेंगे, तो उसको पैक कर लेंगे। ले जी, अब इसकी फिटिंग अच्छी हो गई है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट जो है ना पैक कर लेते हैं। ले जी, ये कंप्लीट जो है ना ओके हो गया, ये चीज़ चेक करें। ठीक है, प्रॉपर बना जुड़ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मैं ज़्यादा देर। अल्लाह हाफिज़।